वंदे मातरम दोस्तों, आज हम बताएंगे एसआरवी के बारे में। एसआरवी का फुल फॉर्म होता है सेफ्टी रिलीफ वाल्व, यानी कि ये किसी बड़ी घटना को करने से बचाता है। पिछली वीडियो में मैं आपने को बताया था कि अगर किसी तरह एक्चुएटर ना खुले तो गैस यहाँ से होते हुए ऐसे जाकर और यहाँ से एसआरवी से पंप मार के वो निकल जाता है, यानी कि 269 पॉइंट या समथिंग 270 बार का प्रेशर ये झेल सकता है। उससे अगर ऊपर होगा, अगर इस कैस्केड में जाने की प्रक्रिया के लिए अगर 270 बार से अगर ऊपर जाता है प्रेशर, इसी तरह एक्चुएटर ना खुले या कोई दिक्कत हो, चाहे कहीं कोई कुछ फंस जाए और नहीं हो पाता है, जा पाता है गैस, तो ये जो है पफ मार के इसके अंदर स्प्रिंग लगी रहती है। वो स्प्रिंग क्या होता है कि 270 बार तक वो झेल सकते हैं, उसके बाद फिर ऊपर उठ जाएगा, मतलब अंदर ही अंदर प्रोसेस होगा, ऊपर उठ के वो मतलब और आपका जो है कि इवेंट हो जाएगा ऊपर से, कि कोई बड़ी घटना ना हो। और ये पीटी होता है प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जो कि लैन केबल द्वारा हमारे एचएमआई में गया होता है, जो हमें प्रेशर की झलक दिखा, जो हमें गेज का सही आंकड़ा बताता है कि कितना प्रेशर हो रहा है। ये है आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसमें क्या होता है, पीटी 100 नाम से प्लेटिनम की कॉइल लगी रहती है, जो कि ये वाटर में लगा हुआ है, वाटर वाले पाइप में। वो हमें वाटर का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो दर्शाने का काम करता है एचएमआई में। इसी तरह ये गैस की ट्यूबिंग में भी लगी है, ये हमें गैस का टेम्परेचर बताता है कि कितना टेम्परेचर है, एचएमआई में दिखाएगा।